आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच इतनी अप्रिसिएशन के लिए। आपको लास्ट वीडियो में मैंने पूरा दिखाया भी नहीं, फिर भी आपने बहुत अप्रिशिएट किया, सबको बहुत पसंद आया। कोई कमेंट भी ऐसा नहीं आया कि मुझे पसंद नहीं आया आपका ये वाला लुक किचन का। इंस्पिरेशन मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से मैंने ली थी, और क्योंकि चैनल पे बहुत से लोग नए ज्वाइन कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, वेलकम आप सबको मेरे चैनल पे। ये थी मेरी इंस्पिरेशन, ये कप, और ये तो आपने देख ली है। और ये जो कलर है ये मैंने कैबिनेट्स पे लगाना था, लेकिन लगा क्यों नहीं रही, शौक तो मैंने अपना पूरा कर लिया है, लगा इसलिए नहीं रही कि वो फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग काम है स्क्रूज निकालना और लगाना, और वाकई जब इतना रहना ही नहीं है तो फिर मेहनत करने का अब दिल नहीं चाह रहा। लिया तो इसी घर के लिए, तो देखिये मैं लगाती हूँ या नहीं, मेरा माइंड कभी कुछ बनता होता है कभी कुछ, आपको पता है। तो खैर अभी चले आपको मैं ना इसका जरा क्लोजर लुक दिखाती हूँ। Heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find. ये है मेरे किचन का लुक, बताएं आपको कैसा लगा। और बाकी तो सब सेम है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेम यहीं पे लगा हुआ था और बस इसको मैंने हटाया था और मैंने ये वाला लगा दिया था। ये हमारी जो चिमनी है ये भी नई लगी हुई है, क्योंकि पुरानी वाली जो है ना वो चलती नहीं थी, सो ये भी एक अच्छी बात है कि साफ सुथरी न्यू वाली लगी हुई है। तो उसके अलावा बस ये है, ये चीजें तो आपने देखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने बहुत प्यारा सेटअप किया है, ये देखें तरह तरह के फ्लावर्स मैंने ला के यहाँ पे रखे हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट दे आर लुकिंग लवली, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं ये देखें। मैं तो सोचती हूँ कि अब अपनी जो पिक्चर्स है ना खाने की वो भी यहाँ खड़े होके बंदा ले। और उसके अलावा ये मेरी टेबल है, ये मेरी जो है ना वो मेन्यू प्लानिंग टेबल है, ये सारा मेन्यू प्लानिंग का स्टफ पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये मुझे शहजाद ने गिफ्ट किया था, कैक्टस हाइल में गिफ्ट किया था, और ये मेरी फेवरेट किचन के लिए पेंटिंग है। और उसके अलावा ये एयर फ्रेशनर स्प्रे है, और थोड़ी सी पेन्स वगैरह हैं, और बस ये चीज़ें हैं, और ये थोड़ी सी डेकोरेशन है जो हर घर में पड़ी होती है। ये माशाल्लाह। I was hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run. वापिस आ गए जी हम। आज क्या करना है, मैंने कॉर्न राइस बनाने हैं। मैंने ना फ्रेश कॉर्न के जो राइस है उसमें क्या फ्लेवर आता है कॉर्न का, और लास्ट जब मैंने बनाए थे ना तो क्वेश्चंस ये आए थे कि क्या ये कॉर्न जो है वो पक जाता है स्टीमर में, तो राइस कुकर में, तो यस बिल्कुल पक जाता है। सेंटर में से अगर ना भी पके तो वो उसका कोर किसने खाना होता है, ऊपर से कॉर्न जो कर्नल्स है ना वो सारे अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो एक तो राइस बनाने हैं, ऊपर से कबाब बना लूंगी क्योंकि कल का मैरिनेट था लेफ्ट ओवर, और साथ में देखती हूँ कि चटनी वगैरह तो है ऑलरेडी, तो ये क्विक सा हम जो है ना वो खाना खाएंगे, उसके बाद जाना है हमने घर देखने के लिए। घर में अब देखें अगर मैं कोई वीडियो बना सकी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो है ना वो एक एजेंट बताता है कि लोग फ्रॉड करते हैं कि देखने के बहाने आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, और वो एक्चुअल में एजेंट्स होते हैं तो अपने नाम से पोस्ट कर देते हैं, तो ये वजह है। तो पता नहीं मुझे भी अलाउ हो कि ना, बेशक फैमिली है लेकिन फ्रॉड पता थोड़ी चलता है कि फैमिली बन के कोई आ गया लेकिन वो एजेंट है, समझ गए ना। तो इसलिए अब देखिए मैं बना सकती हूँ नहीं, तो मैं देखूंगी, मुझे किसी ने सिर्फ किचन की मैं कहूंगी कि मुझे अलाउ कर दें कि मैं जो हम लोग एजेंट्स नहीं है, जस्ट किचन, मुझे पूरा घर वीडियो में दिखाना ही नहीं, मुझे जस्ट किचन दिखाना है, तो क्या वो हो सकता है। अगर वो हुआ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो हम बहुत एक्साइटेड है, तो खाना मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ, चलें जी काम पे लगते हैं। ये मैं लेके आई थी गिफ्ट मार्केट से, और ये मैं आपको एक बाद में दिखा दूंगी, इट्स ओके, ये मैंने खोले ही नहीं है। और ना मिशारी को कल वाला थोड़ा सा तीन बोटियां जो है ना वॉश की हुई जो थी वो लेफ्ट ओवर थी, तो वो मैंने पराठे में डाल दिया, और खुद ये सैलड खा के मैं खाना बनाने लग जाऊंगी। तो जल्दी से हम अपना फूड खत्म करते हैं और दोबारा आते हैं किचन। कॉर्न में लास्ट वीक लेके आई थी लेकिन नहीं बना सकी थी, तो इस वीक बनाने लगी हूँ। सब्जियां फ्रूट यहाँ पे काफी फ्रेश होते हैं, फ्रूट तो तकरीबन 1.5 वीक चल जाता है, और वेजिटेबल्स एट टाइम्स 3-3 वीक्स भी चल जाती हैं, तो बिल्कुल भी माशाल्लाह से खराब नहीं है, ना ही उनके जो लीव्स हैं वो खराब हुए हैं। ये देखिए आज मैं आपको तरीका बताती हूँ ईजी, जिससे मैं कॉर्न को क्लीन करती हूँ। सेंटर में एक कट लगाया, उसके बाद ये पील करके इसको, और ऐसे ऐसे आप ऐसे प्यार करें इसको, इसके सारे जितने भी ये है ना लगा हुआ फाइबर ये उतर जाता है।
फाइबर है, हेयर है, क्या है, जो भी है इसका हेयर स्टाइल सारा हमने खराब कर दिया है। और बस ये कॉर्न इस तरह से मैं पील कर लूंगी और फिर हम उसको वॉश कर लिए, कॉर्न को भी और कटिंग बोर्ड को भी वॉश कर लिया। और बस इसको ना मैं कट कर दूंगी 3-3 पीसेस में, उस तरह खाने में बड़ा मजा आता है। और सेंटर से भी मैंने कट कर दूंगी, मेरी फैमिली के लिए इस तरह ज्यादा इजी होते हैं, हालांकि अच्छा खासा ये हार्ड वर्क है। तीन कप चावल लिया है, उनको मैंने वॉश कर लिया है और पानी भी मैंने ऐड कर लिया है 6 कप, और साथ में मैंने कॉर्न डाल दिया है और सॉल्ट डाल दिया है। तो सॉल्ट मैंने फर्स्ट टाइम डाला है कॉर्न वाले राइस में, और सॉल्ट इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि कॉर्न थोड़ा ना अपने आप में एक स्वीट सा होता है ना, तो उसी तरह का फ्लेवर ना राइस में अच्छा लगता है। खैर, लेकिन हमने इसको ऑन कर दिया है और अब ये खुद ब खुद पक जाएगा। दाल बनाने लगी हूँ साथ में मूंग की और मसूर की दाल, दोनों धुली हुई, जो येलो एंड ऑरेंज जो लेंटिल होती है, तो वो मैं ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि कल ना मेरा खाना बनाने का कोई मूड नहीं, शायद मैं कोई स्नैक बनाऊं या कोई मीठा बनाऊं, लेकिन खाना मैंने नहीं बनाना, सो आज मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा बना दी है। साथ साथ ये कबाबों की तैयारी भी होने लगी है, और ये दाल मैंने चूल्हे पे रख दी है, इसमें मैं सारे मसाले वगैरह एक साथ ही डाल दूंगी और बस कबाबों की हम जल्दी जल्दी तैयारी कर लेंगे। आपको याद है लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी है, मैंने जो चिकन बोटी की रेसिपी बनाई थी उसमें से मैरिनेड मैंने बचा लिया था, वही मैरिनेड आज हम इसमें यूज करेंगे। तो मैंने इसमें डाला हुआ प्याज और धनिया, अभी इसमें सॉल्ट पेपर जाएगा और साथ में ना मेथी जाएगी। मेथी ना हम सबको बहुत फ्लेवर पसंद है, सो ये ऑप्शनल है, आपने डालनी है तो डालें, नहीं तो ना डालें। तो मैं ना थोड़ा सा सेपरेट करने लगी हूँ मिशारी के लिए, क्योंकि कबाब तो वॉश नहीं हो सकते ना, तो फिर वो नहीं खाएगा। तो इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए और इसको मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट सारा का सारा मैं इसमें डाल दूंगी, बस थोड़ा सा मैं रख लूंगी क्योंकि जो मेरे पास बेल पेपर्स है ना उनको भी साथ में मैंने सौते करना है। स्टर फ्राई हुई भी बेल पेपर्स बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह के किसी भी मैरिनेट में। इसको बस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 10 मिनट में इसे रख दूंगी ताकि जो ब्रेड क्रम्स है ना वो एब्जॉर्ब कर लें मॉइस्चर एक्स्ट्रा। पैन को मैं ऑयल कर लूंगी, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है ना तो आप फ्रेश ब्रेड को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। इसको बस मीडियम से फ्लेम पे मैं कुक कर लूंगी क्योंकि कीमा जो है ना वो भी चिकन का, उसको ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगती पकने में, जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है। दाल में मैंने डाल दिए हैं चिकन क्यूब्स, साथ में इसमें हल्दी जा रही है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च अभी नहीं डालूंगी क्योंकि दाल भी अलहदा करनी है। तो इस वजह से कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं मिशारी के खाने अलहदा नहीं करी, लेकिन एकदम से मैंने क्यों अलहदा करने शुरू किए हैं मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी रीजन। कैसी शक्ल बना के, कैसे इतनी मतलब किसी से उससे वॉमिट की है, तो आप वो स्मेल कर रहे हो, वॉमिट स्मेल कर रहे हो? नहीं, बस में तो उसके पेरेंट्स ने दिया क्यों उसको मिल्क, मुझे नहीं पता कहाँ से उसको मिला है। और ये कैसे पता चला आपको कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है? इसलिए कि जो वो मिल्क पी रहा है उसको इस तरह वोमिट जैसा आई थी, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो ना। हमारा ये स्पाइन है, इतना एक्साइटेड और एक्टिव बच्चा वो वोमिट कर, तो बात तो उन्होंने क्लीन नहीं की वोमिट फौरन, उन्होंने ना जो उसके साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था, स्टोरी बता रहे थे बैठा हुआ पीछे चेंज कर ली थी, कहते हैं सडनली चंक्स स्टार्टेड फ्लाइंग आउट ऑफ हिज माउथ। वो तो हाँ, दो के बच्चों की बातें बहुत मजे की लगती है मुझे। हामी मुझे रोज स्कूल की बातें बताते हैं, बहुत मजा आता है मुझे। और एनीवेज यहाँ पे ना मैंने ये डाले हैं टमाटर के क्यूब क्योंकि टमाटर मेरे पास नहीं थे फ्रेश, और ये भी फ्रेश ही है, इनको मैंने ब्लेंड करके ना तो इनकी क्यूब्स बनाई हुई हैं। अभी हम भिगार भी बना लेंगे और दाल के लिए, और साथ में बेल पेपर्स भी सौते कर लेंगे। इसमें मैंने मैरिनेट डाल दिया है और बस इसको, ये लास्ट मैरिनेट था उसका लास्ट पार्ट, और इसको तेज आग पे ना हम स्टर फ्राई कर लेंगे। भिगार के लिए मैंने प्याज डाल दिए हैं और जीरा डाल दिया है।
बेल पेपर्स बस इसी तरह मैं क्रंची क्रंची से रखूंगी, मैं सॉगी नहीं होने दूंगी ताकि खाने में मजा आए। अभी आफ्टरनून का टाइम है, खाना रेडी हो गया है, हमने शाम में बाहर जाना है, इस वजह से मैं फिर खाना पहले ही रेडी कर रही हूँ। अभी इसमें मैंने लाल मिर्चें और हरी मिर्चें डाल दी क्योंकि दाल भी मैंने मिशी के लिए सेपरेट करनी थी ना, तो ये जो मैंने बेगार बनाई है उसी में मैंने मिर्चें डाल दी हैं, तो बस इसको बाकी दाल में मिक्स कर दूंगी, साथ में इसमें जाएगा धनिया और हमारी दाल रेडी है। केटल ऑन कर दिया मैंने, अभी मैं चाय पीने लगी हूँ और सारा कुछ मैंने समेट दिया है और ये खाना जो है यहाँ रख दिया है और सारे बर्तन भी मैंने धो लिए हैं जो डिश वॉशर में लगाने थे उसमें लगा दिए हैं और बस अब मैं बैठ के ना चाय पीने लगी हूँ, इससे पहले कि मगरिब की नमाज अजान हो जाए मैं चाय पी लूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चाय को छोड़ दूँ, इतनी ज़्यादा क्या करना है पी के, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। मुझे ना यूनिवर्सिटी टाइम से आदत पड़ी हुई है क्योंकि मेडिकल की स्टडीज़ आपको पता है कितनी टफ होती हैं, सही सही रात जाग के हमें अपने एग्जाम की तैयारी करनी होती थी, तब से आदत पड़ गई। चाय बना ली है, चाय को देख के ना उसकी खुशबू सूंघ के ना बड़ी खुशी होती है और मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप इसमें फ्रिज से निकाल के दूध डालती हैं तो चाय ठंडी नहीं हो जाती, तो अभी वैसे स्मोक तो निकल रहा है इसमें से देखें, और दूसरी बात ये कि मुझे ना इससे ज्यादा गर्म वैसे भी मैं पीती नहीं हूँ तो इसलिए मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी से चाय पीने लगी हूँ, थक गई हूँ ना तो अभी बैठ के रेस्ट करूंगी तो फिर से मैं सेकेंड हाफ ऑफ द डे के लिए फ्रेश हो जाऊंगी। हमने जाना था घर देखने लेकिन मिशारी का कल बर्थडे है तो इसलिए आज ही उसके स्कूल के लिए गुडी बैग लाने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा प्लान था कि वीकेंड के बाद मिशारी ना मंडे को ले जाए लेकिन उसको याद है और उसकी टीचर ने भी बड़े प्यार से कहा कि आप प्रिंस जैसी ड्रेसिंग करके आना, तो वो फिर यह कि अब हम बच्चे को क्या कहें कि नहीं बेटा कल नहीं आपका सेलिब्रेट करना, मंडे को करना है, और अगर टीचर्स जो है वो कल इसको विश कर देती हैं, सारी क्लास विश करती है तो ये कुछ भी नहीं लेके गया होगा और मंडे को लेके जाएगा। ये सब सोच के और शदाद ने ये मुझे आइडिया दिया कि इस तरह से ना मतलब खाली विश कर देंगे सारे और उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये काम पहले कर लेते हैं। सो आज हम जा रहे हैं, सारे गुडी बैग का स्टफ लेके आऊंगी, गुडी बैग जो है वो पैक करूंगी और बस बर्थडे हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हमने सेलिब्रेट करना है ना हमने वीकेंड पे करना है, तो मुझे जाके ना उसका सोनिक केक बनाने का मेरा प्लान है, उसके लिए ब्लू कलर और ऑफ व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ये मुझे फूड कलर्स लेके आने हैं और मैं ना बटर क्रीम के साथ उसका केक डेकोरेट करूंगी। बहुत इजी आइडिया है, आप सब तो घर पे बहुत मजे से कर सकेंगे, सो मैंने सोचा कि वो चीज बनाऊं कि जो हर घर में केक बन सकता है और क्या कमाल का आइडिया मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बाकी अब थोड़ी देर बाद शदाद जो है आ जाएंगे फिर हम लोग निकलते हैं, अब देखते हैं खाना आके खाना है या खा के जाएंगे, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन शदाद। खाने के लिए जो है ना मैं केला भी लेके आई हूँ क्योंकि मैंने डिनर लंच नहीं किया, आपको पता है थोड़ा सा सैलेड था बस वो खाया हुआ है और भूख लग रही है तो अब केला खा लूंगी, केला और चाय, वियर्डेस्ट कॉम्बिनेशन लेकिन क्या करें भूख लग रही है, तो चलें जी वीडियो को एंड करती हूँ, तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। River's gonna cry when you're gone.